मुफ्ती रफीक हसनी साहब दामद बरकातुहुम अलिया ने करामत आप दी लिखी है ना, ओ कामरान साहब फरमाते पैन के करामत ही सुनावणी है तो हुण इत्तेफाक ना आवी गई। हजरत साहब लिख दे रफीक हसनी साहब के मेरे वालिद फरमाते कि हजरत पी सुहाग रहमतुल्लाह तआला अलैह दे जमाने दे विच इक दफा इथे दरिया डफी दे नेड़े आण लगा ते दरिया वी बड़ा चाड़े दे विच ते बड़ा कावड़ा दरिया फरमाने आप दा एक खादिम की आई परले पासे मंजी गई घिन गया चरावण वास्ते ओ बेचारा उन्हें ही रह गया और दरिया इतना चाड़े दी विच आ गया लिहाजा हुन दरिया को अबूर करना मुमकिन नहीं। हजरत साहब ने पूछा अपने खलीफा कोल भाई कोई है जरा उन सजन को रोटी पूछा आवे हो तो भूख रह बस खाना हों पुचावण तो दरिया की हालत वो आ नहीं सकता लिहाजा भुखरा सी उतना कोई वन जाते खाना गिन ओला मार्ज की दी सोना असा दरिया को छिलण तो जानते हैं लेकिन एडे कौड़े दरियावां दे विच छिलण साडी हिम्मत कोल बै। आपने फरमाया अच्छा कोई मवेशियां दे विचों चौखरां दे विचों कोई शे बची खड़ी है अर्ज की गई हजूर एक गां खड़ी है जेरी नाल नहीं गई फरमाया उसे गां को सड़ गया गां को घिने गुलाम आप दी खिदमत दी पेश कीता आपने रोटी मंगवाई को रुमाल इज बदल जा बन के ते गां दे सिंह नाल अपने हाथ नाल बन छोड़ी गां दे सिंह नाल वधी ते गां को फरमाया वन परूं फकीर बैठी गां सियाण दी थाई ना चरेंदा जुवाई गई गां सियाण दी थाई अपने सजणा को परूं फकीर बैठे फिराणा वन को रोटी पुचा खाना पुचा। मुफ्ती साहब फरमाने के मेरे वाले आदन भिगा इमें टुर पई जिमें जणा समयना वाता ना खाना ला टुर पई हर जणा नहीं समयना वाता ना ला जणा असा सुना भी है कि असा मन्ना भी पीर सिवाग पीर सिवाग पीर सिवाग पीर सिवाग अस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ फरमाने कि गां सारे सामने ओ दरिया ठिल दी हुई पर वो पहुंच गई फकीर तक और फकीर तक पहुंची और फकीर सियाण गया गां को लंगर दे थां भी सियाण दा ही बद्धे होए सिंह नाल खाना आंदा पी खाना खोल गिदा जिवें उसने खाना खोला ना उंदी असाइनमेंट पूरी थी गई गां दी लिहाजा गां अपना फर्ज निभा के हुण पीछा वलन लगी ओई गुलाम हसन दा गुलाम ही उसा के ते थां कौन वले सी गांव को आखिर भी था कौन वाले सी गांव खड़ थई भी यही मैं वाले सा वल जे था फारिग थैन वला सिंह नाल बन छोड़े। मुफ्ती साहब दे वालिद फरमांदे हन कि ओ जितने दी दरिया चाड़े चरिया ए गां खाना नेंदी भी रही ते था वलेंदे तो हम गर्दन सुख में दावर न पेच के गर्दन न पेच से हुक में तो गाल तो ये कुछ है ना जो अल्लाह दी गाल मरनी है भाई कोई गाल ये कुछ गाल है अल्लाह ते उंदे रसूल दी इताअत सारी हर शय इस वजह से सारा दुनिया दा खैर ते आखिरत दा खैर इस शय अल्लाह अकबर।